अरे फिट, तू तो अंदर था ना? तो फिर हम लोगों ने तो अभी मैच देखा, नहीं? तो तू बाहर बाहर से कैसे आ रहा है? और तेरा बैग भी तो अंदर था। हाँ हाँ समझ गया, जब मैं बाथरूम गया होगा तब तू बाहर निकल गया होगा ना। मशहूर एक्टर समीर खाकर का हुआ निधन। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल नुक्कड़ में खोपड़ी का रोल प्ले कर पॉपुलर हुए समीर खाकर का निधन हो गया है। हाल ही में सतीश कौशिक के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा धक्का लगा है। ऐसे में समीर खाकर के निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। समीर खाकर ने छोटे छोटे रोल प्ले करके दर्शकों के दिलों में राज किया। एक समय के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया था और अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका से वापस लौटने के बाद भी वो इंडस्ट्रीज में एक्टिव हो गए थे। समीर खाकर सांस की तकलीफ और अन्य मेडिकल समस्याओं से जूझ रहे थे। 14 मार्च की सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। चलते बोरोली के MM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र 71 वर्ष थी। समीर खाकर ने कई फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों को गुदगुदाया है, जिसके कुछ समय बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। हालांकि अमेरिका से वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर इंडस्ट्रीज में एंट्री ली और फिल्मों के अलावा अदालत और संजीवनी जैसे टीवी शोज में भी नजर आए थे, जिसके अलावा वो G5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी नजर आए। संजीव ने 2020 में नवाजुद्दीन की फिल्म सीरियल मैन में पॉलिटिशियन का किरदार निभाया और वो किरदार लोगों को खूब पसंद आया और वाहवाह भी बटोरी उन्होंने। समीर खाकर की 71 साल की उम्र में निधन की खबर से दर्शक दुखी है। उन्होंने 1987 में आई फिल्म जवाब हम देंगे से करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो मेरा शिकार, शहंशाह, गुरु, नफरत की आंधी, परिंद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को एंटरटेन कर चुके हैं।